ये वीडियो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का है और वीडियो में जो शख्स सफेद टी शर्ट पहन बीच सड़क पर थप्पड़ लगाते हुए दिख रहे हैं वो यहाँ के कलेक्टर हैं। नाम है रणवीर शर्मा। गुरूर सातवें आसमान पर है और हो भी क्यों ना, कलेक्टर बनना आसान थोड़ी है। कलेक्टर साहब लॉकडाउन का पालन करवाने निकले थे। घटना शनिवार की है। गश्त पर निकले कलेक्टर की मुलाकात एक युवक से हो गई। कलेक्टर ने उससे कुछ पूछा और फिर जाने दिया। तभी यूपीएससी वाला छठा दिमाग हरकत में आया और कलेक्टर तेजी से दोबारा उस युवक के पास पहुंच गए, उसका मोबाइल मांगा और उसे सड़क पर पटक दिया और युवक को एक थप्पड़ जड़ दिया। साथ ही उन्होंने अपने साथ खड़े पुलिस कर्मियों को युवक को पीटने का आदेश दिया। इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाओ। ये कहते हुए कलेक्टर साहब अपनी गाड़ी में जा बैठे जिसके आगे बोल्ड अक्षरों में कलेक्टर लिखा हुआ था। इस दौरान युवक कहता है कि वो कोरोना का टेस्ट कराने गया था लेकिन यूपीएससी पास करने वाले कलेक्टर साहब अलग ही मूड में थे। नेताओं और अपराधियों के सामने लेटने वाले कलेक्टर साहब युवक को अपनी हेकड़ी दिखा रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो कलेक्टर ने कहा कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। उन्होंने उस युवक से माफी मांगी। बहरहाल सोशल मीडिया पर लोग कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर, मेरी दादी एडमिट है कोविड में हॉस्पिटल में, तो मैं वहां गया था उनके लिए खाना लेके, तो फिर इतना मैं वहां पे रुकवाए, बोले कहां घूम रहे हो, मैं पर्ची निकाल ही रहा था कि इतना में मेरे को एक डंडा मारे। फिर मैं कलेक्टर साहब को दिखाने गया तो फिर इधर से आए, बोले ठीक है जाओ, फिर मेरे को बुलाए, फिर उनको पता नहीं क्या लगा मेरा मोबाइल लेके पटक दिए जोर से और फिर मेरे को एक झापड़ भी मार दिए और फिर पुलिस वालों से भी पिटवाने लग गए और बोले इसके ऊपर FIR करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं कुछ नहीं सर, मेरे हाथ में मोबाइल था, दवा का पर्ची था, बाइक का चाबी था। अब उनको जो भी लगा हो, मेरा मोबाइल देखिएगा ना, ऐसे था ही नहीं, पूरा ऐसे था। कलेक्टर के भी कहना है कि मतलब मैं गाड़ी चला रहे थे, चलाने की कोशिश कर रहे थे सर, मैं एकदम आराम से आ रहा था, कोई ऐसा नहीं है, वो एक हाथ दिया मैं रुक गया और उतर गया, फिर उसके बाद इस टाइप का हो गया। 2015 में इन जनाब पर रिश्वत लेने का आरोप भी लग चुका है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार भी किया था एक पटवारी से 10,000 रुपए लेने के जुर्म में। UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करवाता है। देश में IAS IPS जैसे अफसरों को UPSC की परीक्षा पास करनी होती है। बड़ी इज्जत और बड़ा रुतबा होता है UPSC के अफसरों का, लेकिन UPSC को अब इन अफसरों को ये भी सिखाना होगा कि वो जनता के नौकर है, मालिक नहीं। नेता के सामने चींटी और जनता के सामने हाथी बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि जनता टैक्स देती है तो उनकी सैलरी आती है। ऐसे नकारे अफसर UPSC पर भी एक दाग की तरह है जो इस संस्था को बदनाम करते हैं। अंग्रेजों की बनाई नौकरशाही व्यवस्था में ये कलेक्टर खुद को अंग्रेज ही समझने लगते हैं। जरूरत हो तो अब ये व्यवस्था भी बदल देनी चाहिए। ये वीडियो वायरल हो गया है, मीडिया में हेडलाइन बनेगी तो सरकार इनको सस्पेंड भी कर देगी और कुछ दिन बाद फिर से ये बहाल कर दिए जाएंगे। सिर्फ सस्पेंशन से कुछ नहीं होने वाला, सरकार को ये भी सोचना चाहिए। रिकॉर्ड कर रहा है। फोन कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? सरकार की फोटो भी कहाँ? भगवान का समय बोर्ड निकला हूँ।